आप तो ऐसे ही बोल रही हैं। अरे चट्टान बोला है इसने, चट्टान ने पहले इस कहानी को जब देखोगे तब पता चलेगा चट्टान कैसे बोलता है। ब्लैक पेन है। तो देखो ये देखो ये दुख में है और बोलती चट्टान। देखो यहाँ चट्टान बोल रहा है कि नहीं मैम, देख तो रहा है चट्टान है वाला मुंह खोले हुए है ना। चलो अब मैं इसमें पहले और फिर हम लोग पात्र बांट लेते हैं, कौन क्या करेगा है ना। बदमाशी नहीं, बिल्कुल बात नहीं। ओके मैम, गुड गर्ल। क्या है ये, ये बोलती चट्टान है ना। मैम मुझे खा जाएगा ये। गुस्से में है, देखो ये क्या है, गुस्से में है। मैम मुझे तो डर लग रहा है, देखो गुस्से में है। और देखो मतलब पेड़ पौधा भी है, क्या है, पेड़ है, ट्री है ना ट्री। मैम इसको कान भी है, देखिए ना छोड़ गया। हाँ कान भी है, देखो इसी को कान ऐसे बना रहे थे। कान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर। पत्ते भी है ना, पत्ते भी है। चलो अब हम लोग पहले बांट ले कौन क्या बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक पात्र है पहाड़, जो ये पहाड़ी वाले जो चट्टान है, बताओ कौन बनेगा। हम बन गए, लगाइए चट्टान जैसे। मैम मोटू मोटू है वही बनेंगे, सही है। गलत बात है, अभी अभी मैं इस बात पे बाद में बात करूंगी। मोटू मोटू नहीं बोलते हैं, इसके बाद में बात करेंगे। ओके मैम, अभी इस बच्चे को बनना है ना। चलो अब इसके बाद इसमें एक पात्र है चट्टान बनेगा, इसमें एक पात्र है तारा। तारा बिटिया कौन बनेगी, तारा बिटिया कौन बनेगी। बंदना बन जाओ तू, बंदरा तारा बन जाएगी क्या, वंदना। तारा जो है, तारा का पात्र कौन करेगी, वंदना। मैं किटू किटी बनूंगी ना, किटी बनूंगी ना। अरे बना तारा बन जाएगी वंदना। हाँ मैं किटी तो खूबसूरती की किटी बनेगी। गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। गोलगप्पा खाते हैं। अजय बेटा को बेटा, अजय बेटा। सब लोग कहते थे कि बदलीपुर की एक पहाड़ी वाली चट्टान में एक दानव रहता था, रहता है। एक दिन उसी चट्टान में कुछ लिखा मिला। आज चट्टान दाना बोलेगा।
किसी ने मजाक किया होगा, मुझे लगता है। चट्टान दानों तो बस कहानियों में होता है, तुम्हें क्या लगता है? ना, हमारी दादी गति है, गति थी, इस पहाड़ी में दानव रहता है। बदलीपुर वालों, मैं चट्टान दानव हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा। बेटी बचोगी। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यद्रा को चाय में डाल के ले दो। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मत मारो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? सवाल पूछूंगा चार, अगर गलत जवाब आया एक भी बार तो बर्बादी के लिए रहना तैयार। जाने क्या पूछेगा आज, आज तो सामत आई है। अदरक कहाँ है? सिर्फ वो ही जवाब दे पाएगा, क्योंकि वो ही इतना बहादुर है। क्या तुम्हें याद नहीं, ये सब स्टीरियोटाइप्स है। लड़के और लड़कियां दोनों एक बराबर होते हैं। लड़कियां वो सब बहादुरी और बुद्धिमानी से कर सकती हैं जो लड़के भी कर सकते हैं। बोलो मंजूर है? और कोई चारा भी तो नहीं है? मंजूर है, हाँ मंजूर है। फिल्मों का हीरो लंबा गोरा बॉडी वाला होता है, हीरोइने लंबे बाल बेदाग चेहरा गोरे रंग वाली होती है। क्या सब लड़की को हीरो जैसा और लड़कियों को हीरोइन जैसा ही होना चाहिए? हमें पता है इसका जवाब, हमें पता है इसका जवाब। बताओ, पर याद रखना गलत जवाब मतलब तबाही। नहीं होना चाहिए, क्यों होना है हीरो जैसा बड़ी वाला? मैं तो एकदम ओरिजिनल हूँ, किसी के जैसा नहीं, बस खुद के जैसा, जैसा है ठीक है। गोरे होने से क्या होगा, मुझ पर भी प्रेशर है, प्रेशर था, पर फिर मैंने सोचा असली चीज तो गुण है। जैसे मैं निशाना अच्छा लगाती हूँ तो टीवी वाली मॉडल के जैसा लगने के लिए क्यों टेंशन लूँ और अपना समय पैसा और मन की शांति बर्बाद करूँ। सो जैसी हूँ अच्छी हूँ। सही जवाब। अरे राक्षस नहीं बन गया। अभी तीन सवाल बाकी है। पूछो नहीं, पूछो 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 पूछो। हिम्मत आ गया। विज्ञापनों और फिल्मों में दिखने वाले हीरो ऐसे क्यों दिखते हैं? मेकअप के कारण, ताकि अच्छे दिखकर विज्ञापन के जरिए अपना माल बेच सके। लेकिन ये तस्वीरें जो दिखाती है वो सच नहीं होता और उनमें काफी बदलाव लाया जाता है। उनकी तरह दिखना संभव नहीं है, इसलिए हमें उनके जैसा दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही जवाब। शाबाश रानू, तूने तो आज बचा लिया सबको, चैंपियन निकली तू। ये बात तो तुम ही ने सिखाई थी कितनी। खामोश। अब अगला सवाल सुनो। राम ने श्याम को देखा और सोचा, वाह क्या बॉडी है, क्या बाल है, मेरे तो ऐसे नहीं है। क्या राम को ऐसी तुलना करनी चाहिए? बोलो। सुनो चट्टान दानो, मैं भी हमेशा अपनी तुलना खुद ही लाल से करता था और सोचता था कि मुझ में कुछ कमी है। मैंने सोचा मैं खोबीलाल से खुद की तुलना क्यों करूं और उदास क्यों रहूं?
रंग रूप की तुलना करना व्यर्थ है। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ और अपने में खुश हूँ। विवेक तो लग रहा है कहानी सुना रहा है, जवाब तो दिया नहीं। शाबाश विवेक, तुमने एकदम ठीक किया। सब एक जैसे नहीं हो सकते, किसी और से तुलना करके खुद को क्यों परेशान करना, सब अपने आप में खास है। वाह क्या जवाब दिया है। अब आखिरी सवाल पूछता हूँ। मैंने किसी से पूछा कि क्या तुमने वजन कम किया है, बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या मैंने यह पूछकर सही किया? क्यों पूछा तुमने गलत बात, इतने बड़े दानव हो, इतना भी नहीं पता कि लुक्स को लेकर कमेंट करने से क्या होता है। अरे यह क्या कर रहा है दानव को। अरे अबे ये क्या कर रहा है, तू दानव को डांट रहा है क्या, मरवाएगा हम सबको। दानव गुस्सा हो गया तो लगता है तुमको जान की परवाह नहीं है, मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। अरे एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से मुझे धमका रहे हो। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, मेरे चाचा ने बॉडी की तारीफ की तो मैं लुक्स को लेकर टेंशन लेने लगा, मुझ पर अच्छा दिखने का प्रेशर बढ़ गया, सारा टाइम आईने के सामने ही लगा रहा, पढ़ाई लिखाई तक से मन छूट गया। मैं जितना भी रंग रूप को सुधारने का कोशिश करता उतना ही बुरा महसूस करता, यहाँ तक कि चाचा का कमेंट सुनकर अदरक भी अपने लुक्स को लेकर परेशान हो गया। पर जल्दी अकल आ गई, दोबारा जब किसी ने लुक पे चर्चा या बुरा कमेंट किया तो मैंने उसे टोका, ऐसा करने से मना किया। तो चट्टान दानव तुम भी लुक्स को लेकर ना अच्छा ना बुरा कैसा भी कमेंट मत करना। तू तो गजब लड़का है रे, सवाल के जवाब में पूरी कहानी सुना दी, एकदम सही बात। तू जीत गए, अब तो सारे बच्चों को जवाब पता चल गए, पर सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, इन सब पर अमल भी करना होगा। मैं हमेशा के लिए बदरीपुर छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ ऐसे चैंपियन रहते हैं वहाँ मेरा क्या काम। वाह क्या तरकीब थी, एक ही बार में पूरे बदरीपुर के बच्चों को समझा दिया। चट्टान दानव तुमको भी मजा आया होगा ना आवाज निकालने में, बड़ा बढ़िया आवाज निकाली, वाह सारे गांव वाले डर गए थे। रूप रंग की तुलना और शारीरिक बनावट से जुड़ी बातें हमारे समाज में आम है, लेकिन ऐसी बातें सबके लिए हानिकारक होती है और आदर्श के दबाव को बढ़ावा देती है। ऐसी बातें लोगों के गुणों और रुचियों से उनका ध्यान बांटती है। बॉडी टॉक सिर्फ उन लोगों के लिए हानिकारक नहीं होता जिनके लुक्स की प्रशंसा की जाती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे उनको लगने लगता है कि उनमें कुछ कमी है, जिसकी वजह से वे अपना सारा समय लुक्स की चिंता में बिता देते हैं। हमारी आपकी प्लानिंग से पूरे बदलीपुर के बच्चों के मन से लुक्स की टेंशन खत्म हो गई। तुम लोग को इस कहानी से सीख क्या मिली, कोई बोलोगे? हाँ मैम,
स्टीरियोटाइप बरसों से चला रहा है, इसको हम लोगों को तोड़ना होगा। जैसे लड़की एक काम नहीं कर सकती है, जैसे लड़का एक काम नहीं कर सकता है, स्टीरियोटाइप जो समाज में फैला हुआ है उसको हम लोगों को हटाना होगा। जैसे लड़का भी बढ़िया रोटी बना सकता है, लड़की भी बढ़िया क्रिकेट खेल सकती है। वाह, वेरी गुड, टीम का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था। चलो फन फन अच्छा तो फिर उसके बाद अभी जो अभी हम लोग पढ़े जो कहानी हम लोग ऐड किए इसमें यही था कि लड़की और लड़का, लड़की वाला काम लड़का भी कर सकता है और लड़का वाला काम लड़की भी कर सकती है, है ना। जैसे जैसे कैसे तुम्हारे टीचर, हाँ अभी बात करेंगे, जैसे तुम्हारे जो सर हैं अजय सर जो हैं और प्रतिमा मैम भी पढ़ाती है, अजय सर भी पढ़ाते हैं, अजय सर भी आते हैं अपने घर से, है ना, पढ़ाने के लिए, और हम भी आते हैं। तो मेरे दोनों में कोई अंतर है नहीं ना? अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, ठीक। इसके बाद हम लोग जो है कभी भी विज्ञापन में, अब देखो यहाँ पे हम तुम लोग जब एक्ट कर रहे थे बच्चों, तो यहाँ पे कुछ शब्द हम लिखे, इसमें से कौन कौन से शब्द से तुम लोग अवगत हो? कमेंट, कमेंट किट्टी बोली, पता है तुम लोग को कमेंट? अच्छा कमेंट होता है अगर कोई लड़की या लड़का कोई चीज करता है और उसका हंसी मजाक के रूप में हम यूज करते हैं, उसी को कमेंट्स कहते हैं मैम। कमेंट जो होता है जैसे कि उसका हिंदी क्या होता है, किसी को पता है? उसकी प्रतिक्रिया, उसके अवगुण को लेके उसका मजाक उड़ाना, कमेंट मजाक उड़ाना, जैसे चिट्ठा कसी मतलब मजाक उड़ाना, जैसे कोई मोटा है तो ए मोटे ऐसे बोल देते हैं, ए छोटे ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो ये उसको बुरा लगता है, पर हम लोग को बड़ा मजा आया, हम लोग चिढ़ा दिए, पर उसको दुख होता है, उसको तकलीफ होता है। ये हमको समझना चाहिए कि हम तो बोल के अपना मजा कर लिए, पर उसको उस चीज का दुख उसको बहुत ज्यादा होगा। और अगर कहीं हम बाद में जाके मोटे हो गए तो, है ना, तो कमेंट हम लोग को नहीं करना चाहिए। अब बताओ विज्ञापन क्या है, कौन बताएगा जल्दी? बहुत चुप रहती हो तुम। विज्ञापन क्या है? प्रचार करना, जो अपना मतलब कोई भी क्रीम प्रोडक्ट को प्रचार करता है बेचने के लिए। जो हम लोग फिल्म देखते हैं ना या सीरियल देखते हैं, है ना, धारावाहिक जो देखते हैं, तो उसके बीच में नहीं आता वो सिर्फ पात्र निर्मा, है ना, आता ना? हा? या फिर हीरोइन लोग साबुन लगाती है और काली से गोरी हो जाती है, होती है ना। और वो क्या कहते हैं प्रोटीन वाला सब जो आता है दवाई खाता है, यू बॉडी हो जाता है। लेकिन हम लोग खा करके यू बॉडी नहीं होता है, है ना, होता है। हम लोग साबुन कितना भी रगड़ ले, जो रंग दिया है वही रंग रहता है। तो विज्ञापन हम लोग को ना आकर्षित करने के लिए, ताकि हम लोग जाके खरीदे, हम लोग के कान में जाएगा तो हम लोग के दिमाग में जाएगा, दिमाग में जाएगा हम लोग अपने मम्मी पापा को जिद करेंगे, मम्मी मम्मी हमको ये चाहिए, मम्मी मम्मी हमको ये चाहिए। किट्टी मैम, किट्टी मैम सुनिए ना, मेरा भी एक और सवाल है मैम। बहुत सारा शैम्पू का भी ऐड आता है पर मम्मी लाकर नहीं देती है। मम्मी सही करती है, शैम्पू ज्यादा शैम्पू यूज करने से बाल उड़ जाता है ना, बाल खराब हो जाएगा। पर मैम मैं तो देखती हूँ कि हीरोइनों का तो बाल बहुत सुंदर होता है, अरे बस करता है ना, पाउंस करता है, जल्दी है तो। अरे बच्चा, अरे बच्चा सुनो, उन लोग एक्सटेंशन हेयर लगाते हैं, ऊपर से चिपकाया जाता है एक्सटेंशन हेयर, वो ओरिजिनल नहीं होता, मतलब वो मैंने बना हुआ होता है, कृत्रिम बना हुआ होता है, उसको ऐसे चिपका दिया जाता है, ठीक ना। ओके मैम, कहीं नहीं होता है। अभी तो तुम लोग एक्टिंग में किया ही ना, yes, है ना, ठीक है। आप बताओ
खूबीलाल या खूबीलाल जिसमें बहुत सारी खूबियां हो, जैसे कि तुम लोग में, तुम लोग बोलते होगे ना कि रजनीश बहुत गोरा है, इसमें बहुत खूबी है, बात करती हो तो वही उसका खूबी देख के तो आप गोरा कैसे हो गया रजनीश, रजनीकांत गोरा कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया, कहीं ये कोई क्रीम तो नहीं, मुल्तानी मिट्टी तो नहीं लगा, तो ये चीज तो वो चीज तो यूज नहीं करता।